सर हमें एक नई कंपनी बनानी है, उसे कैसे बनाएंगे? नई कंपनी बनानी है तो उसको आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कंपनी वर्ड आया कहाँ से ये जान लो आप। कंपनी वर्ड आया है दो वर्ड से, कंपनी वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, तो कंपनी वर्ड आया है दो वर्ड से, कम और पेनिस। कम का मतलब हो गया टुगेदर, और उसके बाद से पेनिस का मतलब हो गया विथ ब्रेड, मतलब एक टेबल पे बैठ के एक साथ कोई कई लोग बैठ के बात कर रहे हैं और चाय पानी चाय के साथ ब्रेड खा रहे हैं, तो ये तो कंपनी हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि कंपनी हमें कैसे बनाना है, कोई न्यू कंपनी है उसको कैसे शुरुआत करना है। तो सबसे पहले कोई भी न्यू कंपनी होती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपना उस कंपनी के लिए पांच बात याद रखना होता है। कभी भी कोई भी नया काम करना है तो इन पांच चीज़ों पे ही सारा बेस्ड है। पांच चीज़ क्या है, POSDC, क्या है POSDC, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो आपका अभी क्या है, पहला स्टेप है, क्योंकि आप कंपनी बनाने की बात कर रहे हैं तो आपको पी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो पी पे ध्यान देना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आपको अपना प्रपोजल तैयार करना पड़ेगा। प्रपोजल तैयार करने के बाद से उसको अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ेगा। अथॉरिटी यहाँ पे क्या बात होगी कि अथॉरिटी बात यह होगी, सबसे पहले आपको MCA के वेबसाइट पे जाके, MCA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वहाँ पे जाके आपको INC 29 फॉर्म, कौन सा फॉर्म होता है, INC 29 फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फॉर्म नंबर 29, तो उस फॉर्म को आपको लेना होगा। फॉर्म को लेने के बाद से उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जितना एनेक्सर उसके साथ होगा आपको सारा उसमें सारा डिटेल भरना होगा। डिटेल भरने के बाद से आपको क्या करना होगा, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके बाद से आपका जो प्रपोजल कॉपी है उसको उसमें सबमिट करना पड़ेगा। जब आप सबमिट करोगे उससे पहले भी दो तीन कामें आपको करनी पड़ती हैं। इसके आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब प्रपोजल आप बना लेते हो तो आपको दो डॉक्यूमेंट और तैयार करके रखने होते हैं, कौन कौन से, MOA और AOA। क्या होता है MOA और OA, MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो होता है जिसमें आपका सारा कुछ, मतलब सारा कुछ बोले तो रूल और रेगुलेशन को, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट और रूल और रेगुलेशन को हटा के जितनी भी डिटेल है इसमें सारा MOA में रहेगा। इसमें आपका कितना कैपिटल लगा है, कौन डायरेक्टर है, कौन एम्प्लॉई है, कौन मैनेजर है, कौन आपका को एम्प्लॉई है, कौन शेयर होल्डर है, ये सारा चीज़ किस में रहेगा, आपका MOA में। AOA में क्या रहेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको बोलते हैं। ये AOA आपका होता है रूल और रेगुलेशन के लिए होता है, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए होता है कि कौन सा क्या रूल इस पर फॉलो करेगी कंपनी, किस किस नॉर्म्स को लेके चलेगी। इसके बाद आपको एक और सबसे पहला काम करना होता है, प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस, जिसके थ्रू आपको पूरा लोग जानेंगे, जिस प्रॉस्पेक्टस के थ्रू ही लोग आपको जानेंगे कि हमारी नई कंपनी, अपकमिंग कंपनी, ये कंपनी आने वाली है हमारे इस कंट्री में या हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका पहला बेस क्या हो गया, प्रॉस्पेक्टस बनाया, प्रपोजल, प्रॉस्पेक्टस, MOA, AOA। इसके बाद से जो आप डायरेक्टर हायर करेंगे, डायरेक्टर हायर करेंगे तो जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें क्या लेना पड़ता है, डिन। क्या होता है डिन, DIN होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब डायरेक्टर आप हायर कर लेते हैं तो उनको डिन लेना पड़ता है, इसलिए एलिजिबिलिटी तभी मानी जाती है जिनके पास डिन रहता है। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन का फुल फॉर्म हो गया। साथ ही साथ जब डायरेक्टर आ जाता है तो उनके पास एक सिग्नेचर होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं, प्रॉपर एक वर्ड है जो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बोला जाता है DSC। क्या बोला जाता है, DSC, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्लियर, जब ये सारा चीज हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास क्या हो गया, MOA बन गया, AOA बन गया, प्रॉस्पेक्टस बन गया, प्रपोजल बन गया, इसके बाद डायरेक्टर आ गए। ये सारा चीज़ जब हो जाता है तो हमें MCA के वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ पे INC 29 जो फॉर्म है उस पर आपको पूरा डिटेल फिल करना होता है। जब आप डिटेल फिल करते हैं तो आपको SIN नंबर मिलता है। क्या मिलता है, SIN नंबर। SIN नंबर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर, जब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है इसके बाद से आपका, अगर आप उत्तर प्रदेश में अगर हैं, अगर उत्तर प्रदेश की कोई कंपनी है तो आपको अपना सारा कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कहाँ जाके कराना पड़ेगा, कानपुर में। तो कानपुर में क्या है, तो कानपुर में ROC है आपके, किसी भी कंपनी का अगर कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड कोई भी इश्यू है चाहे कुछ भी है तो आपको कानपुर में जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी।
जैसे आप जमीन लिखवाते हैं तो आप कचहरी में जाके क्या करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं। उसी तरह कंपनी को भी जब आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा तो कानपुर से सारा आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्री होगा। मतलब रजिस्टर्ड आप कंपनी कहाँ है, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का ROC ऑफिस कहाँ है, कानपुर में। जब वहाँ पर आप ये सारा चीज़ कर देते हैं तो सिम नंबर जब आपको मिल जाता है तो आप अपने कंपनी का सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से कंपनी सेटअप हो जाने के बाद से आप क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को हायर करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, फिर इस पर कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आपको अगर कंपनी पे देखना है तो कंपनी पे ये देखना है कि आपने क्या किया है, कि अगर कंपनी आपका किस बिहार पे काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंपनी का पूरा डिटेल भी देना होता है। साथ ही साथ जो आपका कंपनी का नंबर रहेगा, सिम नंबर, उसके बाद सिम नंबर को भी प्रॉपर तरीके से आपको लिखवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जो आप डोमेन नेम लोगे, मतलब क्या है, सिम इंटरप्राइजे, राधे श्याम यादव इंटरप्राइजे, शिवम ट्रेडर, अभिषेक एंड कंपनी, तो ये सब जो नाम होते हैं इसको भी प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कराना पड़ता है। जब सिन आप लेते हो तो सिन नंबर मिल गया, जिसमें प्रपोजल जब आप देते हो तो उसी समय सारा कुछ ये लिखा होना रहता है, ठीक है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रपोजल, MOA, AOA, ये सारा जब डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाता है जब रजिस्टर कराते हो तो कंपनी का आपको सिन नंबर मिलता है। इसके बाद से आप क्या करते हो, अपना कंपनी सेटअप करते हो। इसी सब के भी यहाँ पे आप बैंक से लोन लेना है तो यही प्रपोजल, यही अपना प्रॉस्पेक्टस, MOA सारा ले जाके बैंक को देते हो तो फिर बैंक आपको क्या करता है, लोन पास करता है, क्लियर ना। इसी के बाद से आपको लास्ट प्रोसेस एक बचता है, GST में रजिस्ट्रेशन। तो वो रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे तो GST में जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो GST का सबसे पहले क्या जान लेते हैं, फुल फॉर्म। तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जब GST में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक पोर्टल होता है जिसको बोलते हैं GSTN। क्या पोर्टल है, पोर्टल का नाम है GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क पोर्टल है। उस पर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको GSTIN मिलता है। क्या मिलता है, GSTIN, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, ठीक है ना। और पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंपनी का सेटअप है। एक कंपनी को बनाना है तो ये सेटअप आपको करना पड़ेगा, इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते चलना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2013 को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो बनेगी वो कंपनी एक्ट 2013 से ही बनेगी, ठीक है, क्लियर। ये पूरा आपका कंपनी का सेटअप था। थैंक यू सो मच। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे प्रॉस्पेक्टस क्या होता है।